वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड दूसरा वीडियो है, यानी ये पार्ट टू है। ये बहुत सारे आप जैसे लोगों ने डिमांड किया था कि सर इसका पार्ट टू बनाया जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी बनाया जा रहा है इसे। उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप हम इसने अभी तक आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट वन देखिए, क्योंकि उसमें हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड सारी बातें बता दी गई हैं, प्लस ट्रांस हिमालय की बात बताई गई है। इस वीडियो में हम ट्रिपिकली हिमालय की बात करेंगे, यानी मत जिसमें आपको स्टार्टिंग में मैंने उस वीडियो में बताया, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक की बात करेंगे स्पेशली इसमें, यानी और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के ही पार्ट हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा चैनल का लोगो और उसके आपके वीडियो के नीचे ऐसा रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि कोई भी जो भी वीडियो हम बनाते उसकी एक नोटिफिकेशन आपको चली जाए। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले स्लाइड की तरफ। जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था कि हिमालय है, हमने पढ़ेंगे इसमें, और आपने देखा था कि हिमालय बना कैसे, ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से इस समय समझ चुके हैं कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, प्लस ट्रांस हिमालय से रिलेटेड आप सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने इस वीडियो में और इसको देखते हैं, ग्रेटर हिमालय को। पहले देखिए, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालय, या इसको बोलते हैं महान हिमालय, जो इसके नीचे आता है, इसके बगल में नेपाल में होते हुए। इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। चलिए, तीसरा जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक से मतलब हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? तीन श्रेणियां, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे इन तीनों को ही। तो आइए चलिए एक एक को हम लोग देखते हैं। पहले एक बार फिर से देख लीजिए आप, इसको बोलते हैं जो सबसे आपके, अगर इधर से जाएंगे तो जो सबसे उत्तर में मिलेगा आपको, उसको बोलेंगे हम मतलब भारत की तरफ से जब हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा शिवालिक, उसके बाद मध्य, उसके बाद ग्रेटर हिमालय। चलिए अब एक एक को हम पढ़ेंगे, ड्रॉ करते हुए जाएंगे। तो जो आपका ग्रेटर हिमालय है, उसके सबसे पश्चिम में जो पर्वत है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। और जो सबसे पूर्व में यहां है उसको हम बोलते हैं आपका नामचा बारवा। क्या बोलते हैं? नामचा बारवा। यहां भी लिख देते हैं हम एक बार, बारवा ऊपर कर देते हैं, बारवा। तो यानी सबसे इसके जो पश्चिम में है उसको बोलेंगे नंगा पर्वत, और जो इसके सबसे पूर्व में उसको नामचा बारवा। ये क्वेश्चन पीसीएस और अभी जो इलाहाबाद का एग्जाम का हुआ है, आरओ, इलाहाबाद आरओ, उन दोनों में ये पूछा हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी, कभी पूर्वी दे देता है कभी पश्चिमी दे देता है। तो आपको याद रखना है क्या है इसका नाम? नंगा पर्वत, और इसका नामचा बारवा। जो भी टॉप 10 पर्वत श्रृंखलाएं हैं वर्ल्ड की, वो इसी ग्रेटर हिमालय में पाई जाती हैं। यहां आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यही मिलेगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है इसका? कंचनजंगा, जो कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अब आइए इस ग्रेटर हिमालय से रिलेटेड हम कुछ डेटा देखते हैं ग्रेटर हिमालय से। देखिए, पहले ही बता दें कि इस पूरे सीरीज को हम लोगों ने बनाया है यूपी पीसीएस और जो स्टेट पीसीएस है उनको टारगेट करके। तो सबसे जो इसकी पहला और इम्पोर्टेंट है, इसकी एवरेज हाइट, एवरेज हाइट मतलब औसत ऊंचाई, वो है आपका 6100 मीटर। आप इसे याद रखेंगे, ये कई बार एग्जामों में पूछा है। जबकि इसकी जो ये एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई, जबकि इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो है आपका 2500 किलोमीटर।
लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। दूसरा, इसकी आपका ब्रेथ यानी चौड़ाई जो की बात करें हम, तो ये केवल है 25 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब यहां से लेके और यहां तक, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? 25 किलोमीटर। ये रहा बेसिक डिटेल इसके बारे में। अब जो भी पर्वत आप देखते हैं टॉप के, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, यहाँ नंगा पर्वत हो गया, ये अन्नपूर्णा हो गया, और यहाँ एक उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में एक पर्वत है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है ये, इसको बोलते हैं नंदा देवी। ये भी क्या है? यही है। तो आप याद रखेंगे नंदा देवी, ये उत्तराखंड में 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी। एक फूलों की घाटी, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये रहा इसके बारे में फिजिकल। ये सारे डिटेल आपको अपने जब आंसर मेंस में लिखेंगे तो आपको ये डालना होगा सारे डिटेल। बहुत सारे दर्रा आपको यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, जैसे बुर्जिल दर्रा, जोजीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, ये सब। यहाँ सिक्किम में आएंगे तो आपको एक प्रसिद्ध दर्रा मिलेगा, नथुल्ला। कौन सा दर्रा? नथुल्ला दर्रा आपको यहाँ मिलेगा। तो बहुत सारे दर्रे आपको यहाँ मिलेंगे। दूसरा, कई सारे हिमनद भी मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं? हिमनद। अब ये क्या होते हैं? जो हिमनद हो, हाँ, वो होते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जैसे आपका गंगोत्री हो गया, जीमू हो गया। तो कई सारे आपको हिमनद यहाँ से मिलेंगे, जिससे अनेक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो ये डिटेल आपका किसका है? ग्रेटर हिमालय का। चलिए मध्य हिमालय हम बनाते हैं। ये रहा मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इसे जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में बोलते हैं पीर पंजाल। यही इसको हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं धौला धर। मतलब मध्य हिमालय का जो जो मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर में पड़ता है उसको बोलते हैं पीर पंजाल, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसको धौलाधर। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी या नेपाल श्रेणी ही इसको बोल देते हैं। तो ये रहा इसके नाम से कुछ डिटेल। अब इसके बारे में आइए इसका फिजिकल देखते हैं हम। मध्य हिमालय देखते हैं, मध्य हिमालय से रिलेटेड हमारे पास इसके लिए क्या डिटेल है। तो देखिए, इसकी जो औसत ऊंचाई है, जिसको हम कहेंगे एवरेज हाइट। क्या बोलेंगे औसत ऊंचाई को? इसको औसत ऊंचाई कहते हैं, एवरेज ऊंचाई आप लिख लीजिए, ऊंचाई, औसत ऊंचाई जिसको है, ये है लगभग आपका 3500, 3000 से 3500 के करीब ये आता है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई ही मेन है। और आप इधर जाएंगे पीर पांजाल में, तो इसकी ऊंचाई आपको क्या होगी? लगभग थोड़ा ज्यादा मिल जाती है, 4000 के करीब मिल जाती है इसकी। अब ये देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसमें ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो है ये भाग, इसमें ढेर सारे हिल स्टेशन आपको मिलेंगे, जैसे मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सारे हिल स्टेशन आपको इसी बीच मिलेंगे। अब इधर आप देखें कि इस भाग को जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग। मर्ग वो होता है इस जम्मू कश्मीर में, इस खाली हिस्से को क्या बोलेंगे? जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सब का क्या, जबकि उत्तराखंड में इसी घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पयार। जो यहाँ घास जमी होती है उसको क्या बोलते हैं? पयार। चलिए, अब जो घाटियां हैं उत्तराखंड में, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी आपने सुना है, वो सब कहाँ पाई जाती हैं? इसी मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। जो इसका सबसे और आखिरी है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? यहां लिख देते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? शिवालिक।
ये मेन इम्पोर्टेंट इसका कुछ नहीं है, आप बहुत इसमें वो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इसको आप वेटेज इसका क्या है मैं बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम में आएगा आपके शिवालिक की, जो एवरेज हाइट है, ठीक है, ये बहुत ऊंचा नहीं है, ये आपको मिलेगा 2500 तक, और कई बड़ी जगह ये मिलेगा आपको, मतलब जब ज़्यादा मिलेगा तो ये 2500 एवरेज मत कहिए, हाईएस्ट हाइट में भी इसको कह सकते हैं हाईएस्ट हाइट। और जो इसका एवरेज हाइट है वो आपको मिलेगा मतलब ऐसे 1000 से लेके आपको 1500 तक, 1000 से कितना 1500 तक आपको ये मिलेगा। चलिए अब कुछ चीज़ें आप इसमें देखिए, ये मेन फेमस है अपने पूर्वांचल की पहाड़ियों के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, पूर्वांचल की पहाड़ियों के लिए। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ जो आपने देखा है नामचा बारवा, ठीक, यहाँ जब उत्तरांचल मतलब ये अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो आपको ये पर्वत मिलता है जिसका नाम है पटकाई भूम। क्या नाम है, पटकाई भूम। फिर आप अरुणाचल के बाद कौन सा राज्य आता है बताइए आप लोग, नागालैंड। तो यहाँ जो पर्वत मिलता है उसको बोलते हैं नागा नागा की पहाड़ी। फिर उसके बाद आता है मणिपुर, क्या आता है, मणिपुर, तो इसको बोलते हैं मणिपुर की, मणिपुर की पहाड़ी। और आखिरी में आता है आपका मिजो, ये है आपका राज्य जो है वो मिजोरम है, इसको बोलते हैं आपका मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका ब्लू माउंटेन। क्या नाम है, ब्लू माउंटेन, नीला माउंटेन मत कहिएगा, इसका नाम है ब्लू माउंटेन। अब मिजोरम में कुछ जानिए, यहाँ एक झील है लोकटक झील, काफी प्रसिद्ध है मिजोरम में लोकटक झील, और एक तैरता हुआ मिजोरम है, मिजोरम मतलब मिजोरम राज्य में तैरता, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामचो। क्या नाम है, केबुल लामचो। तो याद रखिएगा, एकमात्र भारत का राष्ट्रीय तैरता हुआ उद्यान है जो वो है केबुल लामचो। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो हिमालय से रिलेटेड हमने बताया, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपका सुझाव हो तो दीजिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मध्यवर्ती मैदान, खादर का मैदान, बागर का मैदान, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो अपना सुझाव और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और हम एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर पाएं। तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।